दोस्तों, इस बात से कई लोग वाकिफ होंगे कि विदेशों में कई ऐसी जगह है जहां भारतीयों के घूमने पर बैन लगा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारतीयों पर भी एक ऐसा ही बैन उनके खुद के देश में लगाया हुआ है। जी हां, वैसे तो भारत विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति से लेकर अपनी परंपराओं तक, प्राकृतिक सुंदरता से लेकर एडवेंचर एक्टिविटीज तक, और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पर्यटक स्थलों से लेकर साल भर मनाए जाने वाले उत्सवों तक हर किसी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चलिए, ये बात तो हो गई भारत की खूबसूरती और अद्भुत सुंदरता की, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, इसके साथ ही साथ कई रहस्यमयी, भूतिया और खतरनाक जगहों का घर भी है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ लोगों का जाना कई बार मौत के मुंह में जाने के बराबर साबित होता है। इसके अलावा भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगह है दोस्तों, जहाँ भारतीयों के जाने पर मना ही है। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करिए, कहीं आपके लिस्ट में भी भारत के इन शहरों का नाम तो नहीं जिसकी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ भारत की ऐसी जगह के बारे में जहाँ भारतीयों का जाना बिल्कुल मना है। सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इसमें एक रहस्यमय स्थान नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है। ये द्वीप अपनी समुद्री खूबसूरती के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, जो भारत का अभिन्न अंग है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से नजदीक होने के बावजूद आज तक इस द्वीप से संपर्क नहीं जुड़ पाया है। मानो वो कहना चाहते हों कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी सरोकार नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस द्वीप पर कुछ ही लोग रहते हैं। जब कभी किसी बाहरी व्यक्ति ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की, उसे इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। यहाँ बस रहे आदिवासी आज भी बाहरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। इंसानों का हस्तक्षेप उन आदिवासी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहाँ उन लोगों का मानना है कि इंसानी लोगों के संग जुड़ने से इन लोगों में नई तरह की बीमारियां और नए खतरे आ सकते हैं। कई बार सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन द्वीप के स्थानीय निवासियों ने सरकार की मदद को ठुकरा दिया। इस वजह से यह द्वीप आज भी रहस्यमय है। इस द्वीप के लोग आदिवासियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। एक बार अमेरिकी नागरिक जॉन एलन ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर जाने की कोशिश की थी। उनकी कोशिश में स्थानीय मछुआरों ने उनकी हेल्प की, लेकिन जैसे ही वो द्वीप पर पहुंचे, स्थानीय लोगों ने जॉन पर तीरों की बौछार कर दी और इस हमले में जॉन की मौत हो गई। इसके बाद से सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। फ्री कसोल कैफे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हिमाचल में बसा कसोल गांव टूरिस्ट की पसंदीदा जगहों में से एक है। पर्वती घाटी में बसे कसोल का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही कसोल जिसकी पहचान मिनी इजराइल के तौर पर बन गई है। ऐसी जगह जहां पर विदेशी टूरिस्ट, खासकर इजरायली, सुकून प्राप्त करने पहुंचते हैं। दरअसल कसोल हिपी कल्चर का गढ़ बना हुआ है। जहां विदेशियों ने माहौल बनाया हो, वहां पर भारतीय पर्यटक भी खिंचे चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब भारत की ही जमीन पर बने रेस्टोरों में भारत की एंट्री बैन हो। जी हाँ, जिस कसोल में आपको हिब्रू में साइन बोर्ड तक लगे दिखते हैं, वहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरों है जिसमें भारतीयों के प्रवेश पर बैन लगा हुआ है। जी हाँ, यहाँ के फ्री कसोल कैफे रेस्टोरों में भारतीयों के आने पर बैन लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस रेस्टोरों में किसी भी इंडियन टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिलती दोस्तों। ऐसा करने के पीछे यहाँ कैफे के मालिक का कहना है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर भारतीय पर्यटक पुरुष होते हैं, जो कि यहाँ दूसरे पर्यटकों से दुर्व्यवहार करते हैं। चोलामू लेक। दोस्तों, ये झील विश्व की ऐसी झीलों में शामिल है जो ऊंचाई पर स्थित है। ये सरोवर सिक्किम में स्थित है। इस झील का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देता है। इस जगह की वीडियोस देखने पर ऐसा लगता है कि हम सबको छोड़कर यहाँ पर रहने चले जाएं। जो भी शख्स इस जगह पर आकर रुकता है दोस्तों, वो अपनी सारी परेशानियों को और थकान को मानो भूल सजाता है। ये चीन की सरहदी सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर होने के कारण प्रवासी को कम जाने दिया जाता है। फिर भी यहाँ घूमने के लिए सिक्किम सरकार की विशेष परमिशन लेनी पड़ती है, और वो परमिशन आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मिलिट्री के लोग ही ले सकते हैं। यहाँ पर हर समय सिक्किम पुलिस और भारतीय थल सेना मौजूद होती है। फॉरनर्स ओनली बीच, गोवा। दोस्तों, गोवा पर्यटकों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। आप भी कई बार गर्मियों की छुट्टियां बिताने गोवा गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, गोवा में कई ऐसे निजी बीच हैं जहां भारतीयों के जाने पर मनाही है। यहां सिर्फ विदेशी लोगों को ही एंट्री मिलती है। इसके पीछे यहां के बीच के मालिकों का ये कहना है कि यहां विदेशी पर्यटक महिलाएं वेस्टर्न ड्रेसेस में होती है, और यहां आकर भारतीय उनके साथ छेड़खानी करते हैं।
इसलिए इन घटनाओं से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने यह फैसला किया। बैरन आइलैंड। दोस्तों, ये द्वीप अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व खंड की ओर लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है। ये द्वीप अनेक कारणों से पॉपुलर है, जो इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य सभी द्वीपों से अलग बनाता है। अन्य द्वीपों के विपरीत ये अपने समुद्र तटों या विदेशी विचारों के लिए नहीं बल्कि असामान्य कारणों से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, बैरन आइलैंड एक ऐसा द्वीप है दोस्तों, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है और इससे निकलने वाला लावा दूर से ही दिखाई देता है। बैरन द्वीप एक छोटा निर्जन 3 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है। यहाँ की आबादी ना के बराबर है, इसलिए इस वीरान जगह का नाम बैरन पड़ गया। यह ज्वालामुखी लंबे समय से एक्टिव है, इसलिए 3 किलोमीटर में फैले इस प्रदेश में जाना सख्त वर्जित है। ज्वालामुखी के कारण यहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके पास स्कूबा डाइविंग के लिए एक काफी पॉपुलर जगह है। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने युद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है। भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित इस ग्लेशियर का प्राकृतिक इतिहास भी है। ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय इलाके से बाहर बना है। लगभग 78 किलोमीटर में फैला सियाचिन ग्लेशियर कई वजहों से खास माना जाता है। हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में बने सियाचिन ग्लेशियर का नाम हमने अक्सर भारत पाक विवाद के बीच ही सुना होगा, लेकिन इससे अलग भी यहाँ कई बातें जानने लायक हैं। सियाचिन नाम तिब्बती भाषा बाल्टी से लिया गया है। इसमें सिया का मतलब है दोस्तों गुलाब और चिन का अर्थ है बिखरा हुआ, तो इस तरह से सियाचिन का अर्थ हुई वो जगह जहाँ गुलाब बिखरे हुए होते हैं। हालांकि ये नाम इस बर्फीले रेगिस्तान की तासीर से एकदम अलग है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और लगातार अंधड़ चलता रहता है। यही वजह है कि देश के लिए रणनीति के दृष्टिकोण से इस ग्लेशियर को मौत की घाटी भी कहते हैं। समुद्र तल से औसतन 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर की एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा। भारत को इन दोनों देशों पर नजर रखने के लिए दोस्तों इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करना बहुत जरूरी है। सरहद होने और दुर्गम प्रदेश होने के कारण यहाँ लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है, फिर भी सरकार के विशेष परमिशन के साथ यहाँ विजिट किया जा सकता है। भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, भानगढ़ का ये किला भारत की सबसे डरावनी और भूत से संबंधित जगहों में से एक माना जाता है। ये राजस्थान में स्थित है, जिसे 16वीं शताब्दी में भगवत दास जी के द्वारा बनवाया गया था। भानगढ़ किले के पास एक छोटा सा गांव है, जिसकी जनसंख्या मात्र 1300 लोगों की है और इस गांव में लगभग 200 घर बने हुए हैं। भानगढ़ किला अरावली पर्वत की तलहटी में बना हुआ एक विशाल किला है। किले के भीतर भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार बनाई गई है और इसके अलावा किले के निर्माण में विशेष सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। किले में प्रवेश करने के लिए 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। अधिकांश किला अब खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन जब हम किले के मुख्य द्वार से किले में प्रवेश करते हैं तो हमें किले के अंदर बने हुए महल, मंदिर और हवेलियां दिखाई देती हैं। किले में 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर खूबसूरत नक्काशी का उपयोग करके गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। किले के अंदर कुछ हवेलियां और महल भी बने हैं, जिन पर की गई नक्काशी को देखकर ऐसा लगता है कि उस जमाने में कोई ऐसे टेक्नोलॉजी या हथियार रहे होंगे जो आज के समय में मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा ये भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। आपको बता दें, प्रवासी लोगों को यहाँ पर ठहरने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस किले के लिए काफी प्रथा और मान्यता प्रचलित है, लेकिन इनमें सबसे प्रचलित कथा एक तांत्रिक के साथ जुड़ी है। दोस्तों, रानी रत्नावती को एक तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से पाना चाहता था, लेकिन रानी को जब पता चला तो वो उसे मार देती है। मरते समय तांत्रिक श्राप देता है, जिस कारण वहाँ भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रत्नावती और कई लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि इन सभी लोगों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। निकोबार आइलैंड। दोस्तों, निकोबार आइलैंड में जाना आम लोगों के लिए काफी कठिन है। ये एक प्राकृतिक स्थल है, जिसे यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा रिजर्व बायोस्फीयर के रूप में रखा गया है। यहाँ प्राकृतिक स्थल को बाहरी हस्तक्षेपों से नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ लोगों के आने जाने पर बैन लगा दिया गया है। इस द्वीप पर कुछ लोगों को विशेष परमिशन के तहत जाने दिया जाता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर रिसर्च कर रहा हो या कोई वैज्ञानिक हो और उसे ज्यादा स्टडी के लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन मिल सकते हैं, तो इन सिचुएशंस में निकोबार आइलैंड में उन्हें जाने दिया जाता है। जीपी ब्लॉक। दोस्तों, यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद ही डरावनी जगहों में से एक है। माल रोड पर स्थित ये इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है।
ये बंगला भूत प्रेत के किस्सों और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। ये कभी इलाके की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफनाक का नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में तने बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बंगले के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ चार लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडर में तब्दील होते हुए एक बंगले की आज यही कहानी बन गई है। ये बिल्डिंग अब सरकारी प्रॉपर्टी है, जिसे पहले सेना के ऑफिस के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता था। कुछ समय बाद एक ऑफिसर ने इसे क्वार्टर के रूप में उपयोग में लिया था। सरकार ने रखरखाव के लिए एक व्यक्ति को भी रखा था, लेकिन बाद में इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आज ये बिल्डिंग बंद है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि अब भी इसके पीछे का रहस्य कोई भी पता नहीं लगा पाया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जगह जहां भारतीय को जाना मना है। वैसे मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह विजिट करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।